Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के लिए विंटर से रिलेटेड DIY लेके आई हूँ. विंटर आ गया है, ठंडी आ गई है, तो थोड़ी सी स्किन आपकी पूरी फटने लगी होगी. स्किन में बहुत ज्यादा रूखा रूखापन आ गया होगा. तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, वो मैं आपको चार तरीके की DIY बताऊंगी. फेस पैक, फिर उसके बाद आपका क्लिंजिंग. आप उससे करेंगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी ठंडियों में और आपकी ड्राइनेस नहीं होगा स्किन में. तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से DIYs हैं. गाइस, हमने यहाँ पे छाली लिया है, इसका मैंने मलाई निकाल लिया था रात को ही दूध से. उसके बाद फिर हमने ग्रीन टी लिया है. ग्रीन टी मैंने ठंडा कर लिया है, उसे बना के उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ. तो अब हम क्या करेंगे कि हम मलाई लेंगे. मलाई को आप अपने फेस के हिसाब से जहाँ आपको जहाँ पे यूज़ करना है उस हिसाब से आप ले लीजिए. और उसके बाद आप ग्रीन टी ले लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए. करने के बाद इसे आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और आपकी स्किन नरिश्ड रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्चराइज्ड रहेगी. तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. गाइस देखिए, मैंने एक कॉटन ले लिया है. कॉटन में मैंने इसे डिप करना है. डिप करके आप उसे अच्छे से लगा लीजिए अपने फेस पे. सारे अपने पूरे फेस पे धीरे धीरे करके आप इसे डिप करके लगा लीजिए कॉटन से. पूरा अच्छे से लगा लिया है. अब इसे हम क्या करेंगे कि अब इसे हम मसाज करेंगे फिंगर से. आप इसे अच्छे से मसाज करिए. तब तक मसाज करिए जब तक आपके फेस से ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, हट नहीं जाता, पूरा अंदर तक पूरी स्किन में घुल नहीं जाता. तब तक आपको इसको मसाज करना है. और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए. उसके बाद इसे वॉश कर लीजिए. वॉश करने के बाद अगर आपकी स्किन थोड़ी सी चिपचिपाहट लगती है तो आप हल्का सा बेसन लीजिए और बेसन से आप इसे थोड़ा सा वॉश कर लीजिए. तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी. और ये देखिए, मैंने वॉश कर लिया है आप. और ये सॉफ्ट, पूरे फीलिंग इसकी जो इतनी है ना, ग्लोइंग और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है. सो गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई करें. उसके बाद हमारा सेकेंड आता है. सेकेंड हमारा क्या है, स्क्रबिंग. अगर आपको ठंडी में स्क्रब करना है तो आप इसको इसके लिए क्या कर सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं और हनी ले सकते हैं. दालचीनी का मैंने क्या किया है, पाउडर यूज़ किया है. ये देखिए, मैंने हनी लिया है और दालचीनी का पाउडर यूज़ किया है. इसे कूट लिया अच्छे से. अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो दालचीनी को अच्छे से कूट लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसे यूज़ करिए. तो ये मैंने दालचीनी में, अब मैं क्या करूँगी, हनी मिक्स करूँगी. ठंडी है, ठंडी में ड्राई हमारी स्किन हो जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से, हमारा स्किन चेंज होने की वजह से हमारी स्किन मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है. तो उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होने लगती है. तो ये जो भी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत बेस्ट रेमेडी है. मैं हर साल इसे यूज़ करती हूँ ठंडियों में. तो आप भी इसे यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी. हमारी स्किन ड्राई होती है. ड्राई होने का कारण हमारा बहुत सारा होता है. एक तो एनवायरनमेंट होता है, दूसरा हम कोई सोप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो जाता है. आग के पास बैठते हैं उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है. तो ये सारे ड्राइनेस की रीज़न है. तो अगर आप अपनी स्किन पे ट्राई करेंगे ये सारे DIY, तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहेगी और आपको एक अच्छा फीलिंग देगी. आपको आपकी स्किन ग्लो हमेशा रखेगी ठंडियों में. ये देखिए, मैंने अपनी स्किन में अच्छे से लगा लिया है और इसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे ताकि वो हमारी स्किन में अंदर तक वो चला जाए, पूरा अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाए स्किन हमारी. उसके बाद इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ के इसे वॉश कर लेंगे. ये देखिए, हमारा ये 5 मिनट हो गया. अब मैं इसे वॉश कर लूँगी. इसे वॉश कर लिया, आप डिफरेंस देख सकते हैं. मेरी स्किन में ग्लो आ गया है, नरिश्ड हो गया है, ड्राइनेस खत्म हो गया है. आप भी इसे ट्राई करिए, आपको भी अच्छा लगेगा. तो हमारा जो तीसरा पैक है वो हम चॉकलेट का इसमें यूज़ कर रहे हैं. तो हमारी ये
ओट्स है, हमने आटा लिया है, वीट, चॉकलेट लिया है मैंने डार्क चॉकलेट, कोई भी आप यूज कर सकते हैं डार्क चॉकलेट में, और इसे मेल्ट कर लीजिए, और हनी लिया है। ये तीनों से हमें एक फेस पैक बनाना है। तो हमने चॉकलेट में आटा थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम। आप अगर आटा नहीं लेना चाहे तो आप इसकी जगह ये मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है फेस के लिए। और हनी यूज़ कर लीजिए, हनी इसमें डाल दीजिए, इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें हनी डाल दीजिए। हनी मैंने डाल दिया है। अब जितना हनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपका फेस पे अच्छा रहेगा, ग्लो करेगा। तो हनी तो बहुत अच्छा रहता है विंटर के लिए, तो आप उसे यूज़ करिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गाइस कभी कभी क्या होता है कि हम जब मिक्स कर रहे होते हैं तो चॉकलेट सॉलिड हो जाता है ठंडियों में जल्दी, तो उसकी वजह से हमारा ये मिक्स अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैंने देखिए मैंने मिक्स किया है मगर ये थोड़ा सॉलिड में चेंज हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं हल्का सा दूध डालूँगी। देखिए मैंने दूध ले लिया है, अब मैं इसमें हल्का सा दूध डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गया है। दूध डाल के मैंने डबल बॉइलिंग मेथड से इसे मेल्ट कर लेना है। अब मैंने दूध डाली, देखिए मैंने डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर लिया है और ये बहुत अच्छे से ये हमारा रेडी हो गया है फेस पे यूज़ करने के लिए। तो अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे जिससे हमारी स्किन ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। इसलिए ये देखिए मैंने ले लिया है, अब मैं इसे अपने हाथों से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी है। ड्राइनेस तभी होती है जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं रह पाती है, इसलिए आप ये सारे DIYs ट्राई करिए, आपकी स्किन बहुत मॉइस्चराइज रहेगी हमेशा ठंडियों में। तो इसे यूज अपने फेस पे लगाइए अच्छे से। ये देखिए मैंने पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे कम से कम इसे 15 मिनट तक सूखने दूंगी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। थोड़ा सा बचा तो मैंने उसे हाथ में भी यूज़ कर लिया, और उसके बाद जब ड्राई हो जाए तो आप इसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपकी स्किन देखिए कितनी ग्लोइंग हो जाएगी और इतना शाइन देगा आपकी स्किन में, सॉफ्टनेस तो होती ही है। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो दूध और लेमन से है। हमने क्या किया कि दूध लिया और लेमन लिया, तो दूध में मैंने थोड़ा सा लेमन डाल दिया कट करके। ये देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये मैंने तो अच्छे से इसमें डाल दिया, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ये थोड़ा फट गया तो आप क्या करेंगे, हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, हाथों से ही मैंने मिक्स किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये दूध का पूरा चेंज हो गया है, फट गया है दूध। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, अब इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगी, आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, ये क्लिंजिंग का काम करता है बहुत अच्छा। तो ये मैं हल्का हल्का अपने फिंगर टिप से इसे प्रेस कर करके अपनी स्किन में लगाऊंगी। ज़्यादा इसे अच्छे से प्रेस कर करके स्किन में अच्छे से लगा लीजिए आप दोनों हाथों से। देखिए मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको लगाना है। अच्छे से इसे प्रेस करके अच्छे से लगा लीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन में बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आ जाएगी और आपकी ड्राइनेस जो भी होगा जहाँ भी होगा सब हट जाएगा। ये देखिए अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद का देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आया है, स्किन मेरी सॉफ्ट हो जाती है ना, हो गई है, ग्लोइंग हो गई है, मॉइस्चराइज्ड हो गई है। इसी तरीके से आप यूज करिए। सो गाइस आपने वीडियो तो देख ही लिया है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कौन सी DIY अपने फेस पे अप्लाई करना है। उसे अप्लाई करके देखिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गाइस मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ ठंडियों के लिए। अगर आप बाहर आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो आपको पसीने आएंगे, तो आपकी स्किन
नरिश्ड रहेगी, आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी। तो आउटडोर गेम्स थोड़ा आप खेलिए, एक्सरसाइज करिए, तो उससे आपके पसीने आने से आपकी स्किन पे ग्लो एक बना रहेगा। उसके बाद दूसरा टिप ये है कि आप बहुत सारा पानी पीजिए, पानी बहुत जरूरी है, पानी पीजिए। तीसरा ये टिप्स है कि आप रात के टाइम में सोने के पहले कोकोनट ऑयल लगा लीजिए या आप घी लगा लीजिए। घी को क्या, कोकोनट ऑयल जो है आप पूरी बॉडी में लगा सकते हैं। घी के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ डेली। घी आप क्या करिए, थोड़ा सा अपने नाभि पे लगा लीजिए। तो नाभि पे लगाने से क्या होता है कि आपकी स्किन में वो ग्लोइंग एक निखार रहता है, क्योंकि वो उससे अटैचमेंट रहती है। तो बचपन में भी आपने देखा होगा कि आपको मम्मी लोग है ना तेल लगाती होंगी वहां पे नाभि पे, तो वैसे ही आप वहां पे लगाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो रहेगी, ग्लोइंग हमेशा रहेगी। ये मेरा टिप था, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी आपको वीडियोस ऐसे बता सकूं और आपको एंटरटेन कर सकूं। तो मैं आपको आप नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए